हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक ग्राफ का डिजाइन बताई हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो मैं ये एक लड़की के लिए जैकेट बना रही हूँ, हाफ जैकेट, जो कि दो कलर उल ली हूँ और 9 नंबर की सिलाई पर इसको मैं बना रही हूँ। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं 55 फंदे डाली हूँ सिंपल, और ये एक फंदे को उतारी हूँ और एक फंदे को उल्टा बुनी हूँ। इस तरह से ये बॉर्डर दी हूँ और उल्टी तरफ से इसको आप लोग पूरा उल्टी बनाइएगा। तो ये बॉर्डर मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, अगर आप लोगों को पसंद हो तो मेरे चैनल पर जाकर इसको आप लोग बना सकते हैं। तो ये आगे का भाग है, और यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर बटन पट्टी बनाई हूँ और यहाँ से मैं ग्राफ स्टार्ट की हूँ। तो इसकी लंबाई मैं पूरा 2 बीता 2 उंगली का बनाई हूँ, और फिर यहाँ से 3 2 1 करके बाजू घटाई हूँ, और यहाँ से इसको सेफ्टी पिन पर 8 फंदे का बटन पट्टी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं इसको उतार दी हूँ, और यहाँ से भी शेप में एक एक करके फंदे को घटा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर में आपको मैं बता रही हूँ जो कैसे ग्राफ बनाइएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप लोग एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हल्का डिजाइन है। तो देखिए, पहले हम साइड में 2 3 4, तो यहाँ जो ये सीधा फंदा है यहाँ पर हम ग्राफ को डालेंगे। तो 5 6 6 फंदे सीधा रेड कलर से, और एक फंदे हम इस कलर से बनाएंगे, फिर 7 फंदे को हम रेड कलर से बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर उल को हम आगे लाते जाएंगे 4 4 फंदे के बाद, और 7 फंदे सीधा बुनेंगे रेड कलर से, और फिर एक फंदे को हम दूसरे कलर से बुनेंगे। तो पहली सिलाई में आपको जब डिजाइन डालना हो तो इसी तरह से आप 7 फंदे फर्स्ट कलर से और एक फंदे आपको सेकेंड कलर से बुनना है। उल्टी तरफ में हम एक फंदे गले की तरफ से घटाएंगे, तो बी शेप में आपको हर समय पर एक एक फंदे को घटाते जाना है। और फिर यहाँ पर जहाँ पर एक फंदे हम दूसरे कलर से बुने थे, वहाँ पर उल्टी तरफ आपको 3 फंदे करने हैं, एक साइड इधर में, फिर बीच वाला फंदा, फिर एक फंदे इस साइड में। तो इस तरह से 3 फंदे हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर 5 फंदे रेड कलर से। तो उल्टी सिलाई में आपको 5 फंदे रेड कलर से, फिर 3 फंदे ये दूसरे कलर से, इसी तरह से बुनकर कंप्लीट करना है। इस तरफ में आपको फिर यहाँ पर साइड में 4 फंदे रेड कलर से, फिर 5 फंदे आपको यहाँ पर दूसरे कलर से बनाना है, 3 4 5, और बीच में आपको 3 फंदे रेड कलर से, फिर 5 फंदे दूसरे कलर से। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, उल्टी तरफ में अब ये 5 फंदे 7 फंदे बनेंगे ये दूसरे कलर से, 2 3 4, फिर हम रेड कलर फंदे को आगे लाएंगे, 5 6 7, फिर एक फंदे रेड कलर से, फिर 7 फंदे, इस तरह से उल्टी सिलाई हम पूरी करेंगे, 4 5 6 7, एक फंदे रेड कलर से, इसी तरह से हम इस सिलाई को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब सीधी तरफ में आपको सारे फंदे को एक कलर से बुनकर कंप्लीट करना है। रेड कलर फंदे को छोड़ देंगे और सारे फंदे को सीधा सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बुनकर 2 सिलाई इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाई बुनने के बाद फिर हम ये ग्राफ अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अब हम रेड कलर फंदे से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से 6 फंदे को फिर हम हरा कलर से बुनेंगे, और ठीक बीच में यहाँ पर इसको रेड कलर से एक फंदे, फिर 7 फंदे को इस दूसरे कलर से बुनना है, 2
तीन चार, फिर उल को आगे लाते जाएंगे, फिर पाँच छः सात। तो इस तरह से ये आधा फूल बना है और जब हम रेड कलर से इसको पूरा बुनेंगे तब ये जाकर एक ग्राफ तैयार होगा। तो इसी तरह से आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके जब हम रेड कलर का ये बुनकर कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये पूरा होगा। तो फिर सात फंदे इस तरह से बुनना है और एक फंदे रेड कलर से बुनना है। तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ में आप देख सकते हैं, जो फिर एक फंदे जहाँ पर हम बनाए हुए थे वहाँ पर तीन फंदे बुनना है और बीच में आपको यहाँ पर पांच फंदे दूसरे कलर से बनाना है। इस तरह से उल को आगे लाते जाएंगे, पांच फंदे इस कलर से, तीन फंदे रेड कलर से, इसी तरह से बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट करना है। चार पाँच, फिर यहाँ पर तीन फंदे रेड कलर से, दो तीन, फिर साइड में चार पांच फंदे इस कलर से और सीधी तरफ में हम ये तीन फंदे जो हैं अब इसको हम पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार और यहाँ पर पांच फंदे रेड कलर से, दो तीन चार पांच और तीन फंदे दूसरे कलर से, तीन फिर पांच फंदे रेड कलर से। तो इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और उल्टी तरफ में आपको सात फंदे रेड कलर से और एक फंदे दूसरे कलर से इस तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। तो हम एक सिलाई उल्टी तरफ बुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ बुनने के बाद अब सारे फंदे को हम रेड बनाएंगे, जैसे आपको हरा कलर से बताए थे, एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो छह सिलाई का ये डिजाइन है, चार सिलाई आपको ध्यान देकर बुनना पड़ेगा और दो सिलाई आपको ऐसे ही सीधी तरफ से सारे फंदे को एक कलर से बुनना है और उल्टी तरफ भी एक ही कलर से आपको सारे फंदे बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये आपका ग्राफ बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे फंदे सीधी तरफ से रेड कलर से और उल्टी तरफ से भी रेड कलर से ही बनेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ये अब बनकर कंप्लीट हो गया है और उल्टी तरफ हम सारे फंदे को इसी कलर से बुनेंगे। और फिर यहाँ पर मैं छह सिलाई बीच में सिंपल बुनी हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा लाइन इसको यहाँ से स्टार्ट की हूँ। तो इसी तरह से आप चाहें तो बच्चे के स्वेटर में भी डाल सकते हैं और जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं और लेडीज के कार्डिगन या जो आपको बनाना हो, हाफ जैकेट या फुल बाजू वाला, आप लोग किसी भी चीज में इस लाइन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे के स्वेटर में आप लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। और ये हाफ जैकेट का आगे का भाग है, तो इसी तरह से आपको फिर दूसरी तरफ का बनाना है। तो इस तरफ में आपको यहाँ पर पहले यहाँ सीधा से स्टार्ट करना है और यहाँ पर बटन पट्टी बनाना है और फिर बायां भाग का बनाइएगा। तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ से बटन पट्टी बनाना है और बाकी के फंदे में आपको यहाँ से डिजाइन बनाना है। तो इसी तरह से आप दोनों साइड को पूरा करिएगा और पीछे का भाग आप लोग चाहे तो पीछे में भी आप इसी तरह से बना सकते हैं या आप लोग पीछे सिर्फ प्लेन बुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको जब पूरा बना लूंगी तो आपको पूरा इसका जैकेट का वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी जो ये कैसा लगता है बनने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।